वो कई बड़े वड्डे बनते हैं अपने आप सौदागर दिल्ली के बनते हैं, कई बनते हैं। इतने एक वजीराबाद आया जी 15 दिन पहले बयान दे गया जी, वो मैंने आता पुत्र शौक पूरे करी, शौक पूरे करी, इतने आके लक दिखो। हाँ मैंने आखना कि सू निकी लिया दे, वड्डी लिया दे, जा मैंने आखना कि उंगल ना टप्पे सिंह के बिचू, मेरी तो गरंटी होना कि उंगल ना सिंह ही टप्पे, डंगर ही नुको साहब मैंने छड़न वापस देवन, जे उंज पुछते सौदागर मेरे उत्ते को नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह से छोड़ने दुकान जिन्हें मैं 5000 बयाना बनना ना उन्हें मैं 5 लाख का माल लाया उन्हें, ठीक है ना। वो 5000 उठे मैं जितने 5 लाख भर देना तो मैं 5000 चुंगल टपाओ, मैं तो अपनी की शा लिया, मैं पैड़ी गल नहीं करता, नट से खड़ा ऐसे करो आखे ना आवे, मैं की रीझ पूरी करा तू, मेरे डंगर को नुकस से कटन लक की खुल जाने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। की हाल चाल ने वीर जी? अल्लाह दे बड़े एहसान ने, तकड़े हो? बड़े तकड़े। चलो अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा सब तो पहला वीर जी आपका नाम दसो। ना मेरा मोहम्मद रियाज, राय मोहम्मद रियाज खरल, राय मोहम्मद रियाज खरल साहब। आपका एड्रेस भी दसो जरा बजात। एड्रेस मेरा शहर शेखपुरा 32 चौंक के कोल राइया वाली पुली है, फैसलाबाद रोड से। तो जो राइया वाली पुली आना उतो आके पुछना बाजार पैंपा वाला। अच्छा अगे आके नु पुछना? जिन्होंने मर्जी पूछे रहा रियाज नु। जट्टा नु कौन जानदा? बच्चा बच्चा करदा मान जट ते, मान करदा जट ते। जे जरा तुसी भी तारफ करा दियो भाई जान, तुसी माशाल्लाह भाई रियाज दे खास बंदी हो, कैशियर हो? ए जी मेरा कैशियर है, सारे दोस्तों ने मेंदा ही लंबर देना अकाउंट कोंडे पैसे कराने होण दे। इंदा नाम है खादम गोंदल। जी ठीक ठाक बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं जी अल्लाह बाले बच्चा बनाना है। माशाल्लाह आज कितनी चोटियां लेके आए जी? माशाल्लाह 40 चोटी है, नाल 40 कटा है। 40 चोटियां 40 कटे। हाँ जी। ते भाई साहब किथों दा ऑर्डर आया है? ए वजीराबाद दा कोई ऑर्डर है ते कोई सरगोधा दा फिर आ गया गुजरात दा। अज फिर मैं ते भरा कोल दोबारा हाजिर होया ते भरा दे कोलो ए पुछना चाहना अज केड़ी केड़ी नस्ल दीयां चोटियां लेकर आए? नस्ल एक ही होनी, तुहानू पता नीली रावे ते 5 कल्याण लुडन दी नस्ल। हाँ जी हाँ जी, रत्ती वो रत्ती कैली वो लुडने जी नस्ल भी होंगी है ना, तो दो ही होंगी। मेरा सब तो पहला सवाल ये है, इन तिना चो केड़ी सब तो ज्यादा मज दूध देवेगी? दूध रत्ती कैली ज्यादा देवेगी। रत्ती कैली? हाँ जी रत्ती कैली जड़ी होंगी कैली। हाँ जी वो केड़ी नस्ल है? बुरी है जिन्होंने सदे ने बुरी लुडन दी। हाँ जी लुडन दी दूध ज्यादा देंदी? हाँ जी हाँ जी, नीली रावी भी चंगा दूध देंदी होंदी, टोल भी माशाल्लाह अच्छी होंगी। लेकिन मैंने काफी दोस्तों ने एक कहा भाई रियाज को वजाद दे नाल पूछना है ਕਿ ਦੁੱਧ ਜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਜੋਟੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿਆਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਨਾਬ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਭਰੋ ਫਿਰ ਹਾਂ ਵੀ ਭਰੋ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗੇ ਮਾੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ 5 ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 6 ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 5-6 ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਆਪੇ ਭਰਨਗੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਭਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ 5-6 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਦੋ 1-2-4 ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨੇ, 1-2 ਵਾਲੇ ਨੇ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਨੇ ਜੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ 1-2 ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪੱਲੋ ਦੇ ਦਿਆਂ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 1-2 ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ 1-2 ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਓ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੱਕਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਥੱਕ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਵਾਲ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ? ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ? ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ? ਮੈਂ ਲੁੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਲੁੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੋਧਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਬੜਾ ਪੰਦ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਦ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਬੋਧਲ ਦੇ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ? ਜੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਥੱਕੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਬੀਅਤ ਵੈਸੇ ਖਰਾਬ, ਫੋਨ ਹੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਰਾ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਬੜੇ ਫੋਨ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ? 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਛੋਟੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਤੱਕ? 400 ਕਿਲੋ ਤੱਕ, 300 ਕਿਲੋ, 350 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣ।
दस बारह पसंद दस ला सकते वजह तो होवे ना कोई एवं तो नहीं कि एवं किसी लक की खुल जाए फिर वो गल कोई नहीं पहले तजर्बा करके आवन वेली दे विचू ठीक है ना अपना तजर्बा करन महंगी सस्ती का तजर्बा करके रियाज नूं आखण कि जवारे दा लगे तो फिर रियाज नूं आखण मेरे डंगर कोई नुक्को साहब लिख लिया ना फिर छड्डण हाँ जी तजर्बा करके नहीं आते कोई एवं कोल जाके ना तो मुझे लक की खुल जाती बंद ठीक है ना कई बंद होंगे ना सा शौक पूरा करी शौक पूरा करी ठीक है शौक पूरा करने इतने आ गए और अपनी लक लक की खुल जाती कोई उतो एवं जाके ना वो खारे कि वजन हो जाएगा भाई ले आखन गए सानू इन्ने वजन लिया के इन्ने वजन लिया के जिन्ना वजन मैंने कह गए उन्होंने ही होएगा ठीक है ना जो कहना इन्हें लैके जाना इन्हें लैके जाना इन्हें माफी नहीं होएगी मेरे डंगर नुक्को साहब हो फिर छड़ जाए ठीक है नुक्को साहब है ना फिर छड़ जाए नहीं मैं यही है ना कि नुक्स हो फिर क्डन जो नुक्को साहब मेरे माल च हो जे उंज दितले लक की खुलनी इन्हें तो मैंने दस देने के लक की साड़ी खुल जानी वो कई बड़े व्डे बनते हैं अपने आप सदागर दिल्ली के बनते हैं कई बनते हैं इतने एक वजीराबाद आया 15 दिन पहले बयाना दे गया जी वो मैंने आंदा पुत्र शौक पूरे करी इतने आकर लक की खुल गई किसी ने कहा ना कि छोटिया महंगा ने उमें छड़ दी मैं कहा फट बयाना जा ठीक है ना मेरे डंगर नुक्स होब हो डंगर फ्री लै जावन मेनू आखना की सानू निक्की लिया दे वड्डी लिया दे जा ते मेनू आखना की उंगल ना टप्पे सिंह दे विचू मेरी तो गरंटी हो ना कि उंगल ना सिंह टप्पे डंगर नुक्को साहब मेनू छड्डन वापस देवन जे उंज बुजदलां काम करना ना फिर कर रवन फिर भाई बन के ना विखावन रियाज बन के ना विखावन जनानी बन के विखावन मेनू फिर ठीक है ना मैं गुस्सा इस गल लगता है कि कई बंद मर्द वाली गल करते हैं विखाने मेरे जनानी वाली गल ठीक है ना कि कहना शौक पूरा कर साडा रियाज शौक तो पूरा करता है ना मेरे डंगर नुक्स होवे ऐब होवे कोड़ा होवे सिंह बने वाला होवे वो छड़ जान महंगे से तजर्बा पहले करके आवन जा वड्याई ना करन रियाज कोल ठीक है ना वड्याई ना करन दिल्ली के सदागर मेरे तो उत्ते को नहीं है ठीक है ना अल्लाह सुने दुकान जिन्हें मैं 25,000 बयाना फड़ना ना उन्हें मैं 25 लाख का माल लाया उन्हें ठीक है ना वो 25,000 उठे मैं जितने 25,000 भर देना तो मैंने 25,000 का प्रॉब्लम कोई नहीं बंदा उतला भी समझ जाए गल कि जरा बंदा 25,000 5 लाख का माल लाया होंगे वो किसी की आस से लिया यार मैं 1,000 रुपया लेना 1,00,000 रुपया मैं भर देना किसी ने मैंने 25,000 बयाना इतना मैं 5 लाख का माल लाया आंदा वो मैंने 25,000 को लाला नहीं फिर भी उन्होंने मैं आना कि मेरा डंगर नहीं पसंद छड़ जा लेकिन कोई नुक्स तो हो फिर छड़े कोई मसला तो हो मैं दस सही क्या इन मसला है इन फलानी गल है मैं फिर छड़ू हाँ फिर वो पाई फिर पाइए 15 दिन अज तो पहले मैंने बयाना दिता वजीराबाद बंदे ने अगे वीडियो चढ़ी सी ठीक है ना वो इतने आए ने उन्होंने किसी बंदे आके लो जो छोटिया ही महंगे ने इतने हूँ बंदा 50 कोई आ जाए वो छोटिया आने के वेखे मेरिया मैं वीडियो विखा देना उतना उठो एक बार जड़ियाँ बाबे ने छड़िया ने बड़ा दिल्ली का सदागर मेरे को एक आया से इधर आओ ऐ चोटियां विखाओ उन्होंने कि जड़ियाँ बाबे ने छड़िया ने मेरे को गलत गलत करके आ चोटिया जे ऐ चोटियां वजीराबाद दिल्ली का सदागर एक आया से इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ कोई गुजर आके ना आन के मेरे भाई जनानिया बन के ना विखावन मर्द बन के विखावन ऐ वेख उंगल टपाओ मैं तो अपनी की शैल लिया मैं पैड़ी गल नहीं करता नैट से खड़ा ऐसे करो आेख ना आवे मैं की रीझ पूरी करा तू मेरे डंगर को नुकस तो क्डन लक की खुल जाती आखिर अभी जनानियां सी बंदे नहीं बस ओके अल्लाह हाफिज़ साफ पढ़ ला जा तो भाई रियाज जज्बात में आ गया क्योंकि किसी के साथ ज्यादा करे कोई तो दुख तो ज़रूर होता है तो जैसा कि गाना भी है लेकिन मुझे नहीं आता तो मैं भाइयों से शेयर करना चाहूँगा
तो जो भी सौदाबाजी करे तो ज़रा कोई इतराज़ लाजमी निकाले, कोई मसला मसाइल है या बीमार है या कोई नुस्खा है कोई निकाले, तो बिला वजह छोड़ कर जाना ये गलत बात है। क्योंकि आप 1000 रुपया बयाना देते हैं और उसके बावजूद भाई रियाज दिल बड़ा करके वो चोटियाँ लेकर आते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत चोटियाँ हैं। तो 1000 आप जब देते हैं तो वो लाखों में लेकर आते हैं, इतना माल है। तो आपने जब लेने आते हैं तो इतराज़ ये निकलता है कर लो जी सानू तो पसंद ही कोई आई, वो भाई पसंद नहीं है तो माल चेक तो कर, क्वालिटी चेक तो कर, तेन पसंद क्यों नहीं आई सानू दस तो सही, आपको मसला है। माल बड़ा वधिया माल लैते आते हैं भाई रियाज साहब, तो इस वास्ते थोड़े अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ज़रा कोई ख्याल करके कोई इतराज ला के फिर सौदा छड़िया करो, वरना इस तरीके सौदा ना छड़िया करो। मैं अपने भरावों को दोबारा दोबारा रिक्वेस्ट करना कि बिला वजह इतराज ना लाया करो, तो फिर सौदा छड़ के जाओ तो गलत कर, या फिर आखो साढ़े को पैसे कौन नहीं दे, जो तो पैसे नहीं है तो फिर फायदा की है गल्ला करन दा, गल्ला फिर वन सोनिया कर दे। ठीक हो गया, ये तुसी ये आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह जानवर भी ये 18 कटे हैं जो जा रहे हैं, माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत कटे हैं जो भाई ने ख़रीदे हैं। ये वज़ीराबाद का ये भाई है, ये वही है जिन्होंने चोटियाँ छोड़ी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, तो दुआ में याद रखें बिजनेस विद MK को, और अब आपके आने रहे जिद्र खां को भी अस्सलाम वालेकुम।